फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल शादी वाला पनीर। दोस्तों, शादियों में जो पनीर खाते हैं हम ना, कहते तो उसको हलवाई शाही पनीर है, लेकिन उसकी रेसिपी स्टैंडर्ड शाही पनीर से काफी डिफरेंट होती है। बहुत सारे मसाले डालते हैं इसमें दोस्तों वो, और बहुत ज्यादा इसकी भुनाई करते हैं। मसाले ही इसके वो बल्क में बनाते हैं, तो 2 से 3 घंटे तक उसको भूनते हैं। हम भी इसको घर में बनाएंगे तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा दोस्तों, 40 से 45 मिनट लग जाएंगे दोस्तों इसको बनाने में, लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा वो वाह, बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है, 3 बड़े चम्मच तेल लिए हैं मैंने। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच जीरे का डाल रही हूँ और 2 तेज पत्ते ऐड कर दिए हैं मैंने। साथ के साथ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग डाल रही हूँ मैं, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ और 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। साथ के साथ मैं यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्चें डाल रही हूँ। आप खड़े मसाले चाहें तो बाद में निकाल भी सकते हैं। इसको अच्छे से हम 10 सेकंड तक पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 प्याज और 2 हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया था। प्याज को मैंने बस ऐसे ही काट के पीस लिया था हरी मिर्च के साथ। इस पेस्ट को लगभग हम 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा है, इस सब्जी में भुनाई बहुत चाहिए, तो सबसे पहले हम प्याज को लगभग 5 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको भी डाल के मैंने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 20 काजू, जो कि मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था 10 मिनट के लिए, उसको पीस के उसका पेस्ट ऐड किया है। अब इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा जो मसाला है वो तेल न छोड़ दे। मीडियम हाई हीट पर हम इसकी कुकिंग करेंगे दोस्तों। 6 से 7 मिनट तक हम इसको भूनेंगे यहाँ पर अच्छे से। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हम दही डालेंगे। 1/3 कप मैंने दही का डाला है यहाँ पर दोस्तों। दही को डाल के फिर से हम इसको भूनेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे दोस्तों, जब तक मसाले का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए और मसाले तेल ना छोड़ दें। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे। इसको डाल के हम लगभग 4 से 5 मिनट तक फिर इसको कुक करेंगे, तब तक जब तक मसाला फिर से तेल ना छोड़ दे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, मसाला भूनने में सब्जी में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, नहीं तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी और फिर बाद में आप मुझे बोलोगे कि सब्जी अच्छी नहीं बनी। इसलिए मैं जैसा बता रही हूँ प्लीज वैसे ही इसको भूने। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर टमाटर ऐड करूंगी। 2 टमाटर ले लिए थे मैंने, जिसको मैंने मिक्सी में ऐसे ही पीस लिया है, इसको ब्लांच बिल्कुल नहीं किया है। कच्चा टमाटर मैंने पीस के ऐड कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद इसको भी हम लगभग 6 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें हम ढक्कन लगाकर इसको भून रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाले ने तेल छोड़ दिया है यहाँ पर। इसको हम अच्छे से 6 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, तब तक जब तक जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें 1/4 कप क्रीम का। दोस्तों, यूजुअली हम क्रीम को सब्जी में लास्ट में ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम क्रीम डालकर भी लगभग इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, तब तक जब तक सब्जी का कलर वापस से थोड़ा सा डार्क ना हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी का कलर वापस से डार्क हो गया है यहाँ पर 3 से 4 मिनट भूनने के बाद। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पनीर। पनीर मैंने लिए हैं 400 ग्राम। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मैं, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। मैंने सब्जी को थोड़ा सूखा ही रखा है, 1/2 कप से थोड़ा कम ही पानी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें लगभग 1 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं। 6 से 7 लोगों को आपकी सब्जी आराम से सर्व कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें मैं फाइनली डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का। इसको भी डाल के हम लगभग 2 मिनट के लिए सब्जी को मीडियम हीट पे भुनेंगे, जब तक कि जो मसाले हैं वो पनीर के अंदर अच्छे से समाना जाए। बस करना क्या है, उसके बाद गैस को बंद करना है और उसके बाद रोटी पराठे पूरी नान किसी के भी साथ इसको एंजॉय करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरे बताए स्टेप्स आप एग्जैक्टली सेम फॉलो करेंगे तो सब्जी बहुत ही ज़बरदस्त बन के आएगी। इसको बनाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।